जहाँ पे भी इंजेक्ट करते हैं वहाँ के वो मसल को उसका मूवमेंट जो है, उसका एक्शन जो है, उसको वो कम कर देता है या बंद कर देता है। ये परमानेंट नहीं होता है और काफ़ी लोग इसको एक तरह से एक ऑफिस प्रोसीजर के जैसे कहते हैं कि वो लोग लिटरली अपने ऑफिस से लंच ब्रेक में आते हैं, क्लिनिक आते हैं, इंजेक्शन कराते हैं और फिर वापस दोबारा ऑफिस चले जाते हैं। एक और कॉमन सर्जरी हमें देखने को मिलती है स्पेशली सेलिब्रिटीज में एंड ऑफ कोर्स ऑन पीपल जो काफ़ी हाई एंड पे होते हैं और अफोर्ड कर पाते हैं सर्जरी, वो है बोटॉक्स की सर्जरी। ये कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो लोग अंडरगो करते हैं स्पेशली जब एक सर्टन एज पे आ जाते हैं, जब वो रीच करते हैं बियॉन्ड 40s। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होती है ये सर्जरी और क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, पूरे प्रोसीजर के बारे में जानेंगे हम एक्सपर्ट से। मैं डॉक्टर वरुण दीक्षित, मैं क्वालिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं हिंदुजा हॉस्पिटल खार यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। उम्र के साथ साथ चेहरे पे झुर्रियाँ आना अनिवार्य है, आना ही है। अब वो कुछ झुर्रियाँ ऐसे होती हैं कि बगैर कोई एक्सप्रेशंस के, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, फिर भी वो लाइंस, वो क्रीजेस दिखते हैं, उन्हें हम स्टैटिक लाइंस कहते हैं। कुछ लाइंस ऐसे होते हैं कि जब मैं ये मूवमेंट करता हूँ तब ये लाइंस दिखते हैं, इन्हें हम डायनामिक लाइंस कहते हैं। अब बोटॉक्स जो है वो ये डायनामिक लाइंस को इम्प्रूव करता है, उनको रोकता है। अब बोटॉक्स भी असल में देखे तो बोटॉक्स जो है एक एक्चुअली ब्रांड नेम है, उसमें जो दवाई है उसका नाम है एक्चुअली बॉटुलिनम टॉक्सिन, जो एक बैक्टीरिया के द्वारा तैयार किया जाता है। अब वो लेबोरेटरी में बना के हम लोगों को वो बैक्टीरिया से उपज करके वो हम लोगों को छोटे बॉटल में डाल के मिलता है। वो अब बोटॉक्स जो है या बॉटुलिनम टॉक्सिन जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो जो जहाँ पे भी इंजेक्ट करते हैं वहाँ के वो मसल को उसका मूवमेंट जो है, उसका एक्शन जो है, उसको वो कम कर देता है या बंद कर देता है, जिसकी वजह से फिर वो लाइंस दिखने बंद हो जाते हैं। जैसे कि ये माथे की लाइंस हैं, या ये गुस्सा जब करते हैं कोई तो ये फ्राउन लाइंस आते हैं, या जिसको हम लोग क्रोस फीट कहते हैं कि स्माइल करने के बाद आँखों के किनारे पे जो लाइंस आते हैं उनको क्रोस फीट लाइन कहते हैं। ये एरियाज के लिए टिपिकली ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बोटॉक्स के बारे में जानना कि ये परमानेंट नहीं होता है, इसका जो है इफ़ेक्ट करीब 4 से 6 महीने तक ही रहता है। तो यानी पेशेंट्स को इस अगर वो इफ़ेक्ट चाहिए और लंबे अरसे तक, तो दे हैव टू कम बैक अगेन एंड देन एक 4-6 महीने के बाद दोबारा से वैसे ही वो इंजेक्शंस करने होते हैं। तो ताकि ये लोग ऐसे अगर करते रहते हैं, और काफ़ी लोगों को ये इसका एक रूटीन सा हो जाता है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा हीलिंग पीरियड नहीं होता है जैसे कोई ऑपरेशंस के बाद जैसे होता है, तो इसके लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है और काफ़ी लोग इसको एक तरह से एक ऑफिस प्रोसीजर के जैसे कहते हैं कि वो लोग लिटरली अपने ऑफिस से लंच ब्रेक में आते हैं, क्लिनिक आते हैं, इंजेक्शन कराते हैं और फिर वापस दोबारा ऑफिस चले जाते हैं। तो एक किस्म से बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है ये चेहरे के डायनामिक लाइंस और चेहरे के जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं उनसे थोड़ा छुपाने के लिए या उनको थोड़ा कम करने के लिए।